जिसमें हो मुराकबे और ध्यान, जहाँ दिया जाए सबको इंसान होने का दर्श और सबसे प्रेम करने का ज्ञान। चेतन यही तो है सत्य सनातन ज्ञान। तीन बच्चे हैं, हाँ। दो लड़कियाँ हैं, हाँ, शादी शुदा कर दी, इसकी नाना बन गया हूँ, दादा ही बन गया हूँ, अभी अब हमारे को क्या चाहिए, सेवा करनी है। मतलब सूफी बन के रहो और ज्ञान पे जो है ध्यान। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पैसे दे ले। नहीं नहीं, पैसे दे। हेलो, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एवरीवन टू अ न्यू वीडियो। हम अभी उमरकोट में हैं एंड उमरकोट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स टेंपल्स एंड वी आर गोइंग टू गो टू माता टेंपल नाउ। यहाँ एक शिव मंदिर भी है, वो भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना है, बट वो हम कल जाएंगे। फिलहाल तो हम जाएंगे माता जी के आशीर्वाद के लिए। उमरकोट का फील मुझे बहुत पसंद आया। आई थिंक कि एट हार्ट आई एम जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल। एनीवेज, अगर यू नो नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उमरकोट में एटलीस्ट 3 दिन का प्रोग्राम बनाऊंगी ज़रूर। फिलहाल तो इतना वक्त नहीं है, आई एम गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो ये है माता जी का मंदिर एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द अपस्टेयर्स। तो ऊपर से नज़ारे कुछ ऐसे हैं, तो नो इट्स वेरी डिफरेंट एंड काफी साइलेंट भी है और हर तरफ आपको घर ही घर देखने को मिलेगा। सो हर मंदिर हर पूजा में हम स्टार्टिंग यू नो गणेश जी से स्टार्ट करते हैं, विघ्नेश्वर भी कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ये है विष्णु भगवान एंड वी रिकॉग्नाइज हिम बिकॉज ऑफ द तिलक। ये लॉन्ग वी शेप का है एंड हाथ में भूचक्र भी है। तो लॉर्ड राम इज द 7th इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु इज द प्रोटेक्टर। Ramayan revolves around Lord Rama in the middle, his dharmapatni Sita Devi, brother Lakshman and his most ardent devotee Lord Hanuman. Lord Ram is also known as Adarsh Purush or the ideal man. Lord Ram goes to exile just to keep his father's word. And next here is the most playful and most joyful of all gods, Lord Krishna and his consort Radha. And you can recognize Lord Krishna because of the cows in the background. Agar gaay hai to pakka ye Krishna Bhagwan hai. And this is Goddess Durga and we can easily identify her through the lion she's sitting on. So this is Lord Shiva and we recognize him through the namas, you know, the horizontal namas as opposed to vertical for Lord Shiva. And also in the middle there's the spiritual eye or the third eye. Lord Shiva is the destroyer. And this is the creator Lord Brahma. And ye hai Sai Baba of Shirdi. And finally this is Goddess Kali. This is the fiercest form of Mother Divine. And this is the main idol in the temple, Goddess Durga. Very beautifully decorated, the centerpiece of the temple. So again, in this temple is an unbelievable sense of calm, and as you can see, like they've taken so much care. You can see the trees in the background. They've also put like those pots and everything. It's such a nice place for like divine communion, like to just come here and you know, maybe meditate, maybe read, maybe just sit down and just take in the vibration of the place. Very, very, very nice. नो डाउट इस मंदिर में कुछ तो खास बात है। यहाँ के मैनेजमेंट से थोड़ा और मालूम करेंगे इस टेंपल के हिस्ट्री के बारे में। आपने जो ये कूल ड्रिंक मंगवाए, थैंक यू सो मच। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। मेहमान नवाजी है, अच्छा। नमस्ते भाई साहब। ओम नमस्ते। आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम भोजराज। ठीक है, और आप टेंपल में क्या करते हैं? यहाँ पे इंचार्ज हूँ मंदिर का। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने इजाज़त दी तो। एंड सर आपने भी, आपका थोड़ा नाम बताएं। क्या नाम? चेतन।
और आप यहाँ के पंडित जी हैं आप? जी मैं यहाँ पाठ करता हूँ सुबह शाम में। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। पंडित जी हमारे मंदिर जो है ऑफ कोर्स ये डिवाइन है, बहुत ब्यूटीफुल है, बट बहुत प्यारा भी है, थोड़ा सा होमली फीलिंग आ रही है। तो है ही होमली ना, चौतरफा होम ही होम है, बीच में बना हुआ है। जी जी जी, घर की तरह ही है जी। और बहुत पुराना मंदिर है हमारे यहाँ, ये है दादा जो है ना, हाँ, खेमगर स्वामी है, ये यहाँ जो है बुजुर्ग थे। तो कितने साल पुराना है ये? इसको 300 साल तो हम सुनते आ रहे हैं, और ज्यादा 300 साल। हाँ, अच्छा, इन्होंने यहाँ समाधि ली थी ना। अच्छा, हाँ, ये अच्छा, पहले मंदिर नहीं था, एक मड़ी थी ना। ठीक है, तो यहाँ साधु संत आते थे। ठीक है, तो क्योंकि उमरकोट हमारा दूसरा जो है अखाड़ा यहाँ है, जो है एक इंडिया में अखाड़ा है, दो अखाड़े दुनिया में, एक अखाड़ा यहाँ है पाकिस्तान में, एक इंडिया में, वो अखाड़ा आगे है। तो यहाँ जो भी संत आते थे या मड़ी मंदिर है उसमें ठहरते थे ना। अच्छा, तो ये यहाँ रह गए थे, यहाँ रहे थे, फिर ये बहुत अरसा इन्होंने यहाँ बिताया, बहुत पूजा की माँ की, और आखिर में इन्होंने बोला कि मैं इधर ही समाधि लूंगा और मुझे कहीं और नहीं लेके जाना। तो जीव समाधि हो गई यहाँ? हाँ। अच्छा, समाधि का मतलब होता है कि अगर हम बताकर जाते हैं ना भाई इस टाइम हम चले जाएंगे, वो समाधि हो गई। ठीक है, वो जिंदा ही समाधि हो गई। ठीक है, समय बता दे, इस समय मैं नहीं हो रहूंगा, वो बॉडी में प्राण नहीं रहते हैं। तो इन्होंने बोला मुझे आप यहाँ रखना, तो लोगों ने बोला ठीक है रखेंगे। और जब इन्होंने प्राण त्याग दिए तो सब ने बोला अब यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ हमारे बच्चे सच्चे वो आते करते हैं, पाँव लगाएंगे वो लगाएंगे, समाधि इधर उधर लेके चलते हैं। तो उसको उठाया तो उठाई नहीं, 10-12 लोगों ने उठाया, नहीं उठा। अच्छा, फिर किसी बुजुर्ग ने बोला, इन्होंने जो वसीयत की थी ना, आप उस पर चलो और माफ़ी माफी मांगो, फिर माफ़ी शाफी मांगी, फिर वो दो बंदों ने उठाया तो उठ गए, फिर यहाँ समाधि दे दी। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका मतलब ये यहाँ का बहुत जो स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल है, उमरकोट में, क्योंकि उमरकोट एक तो नाम अमरकोट था पहले ना, जी, राजा अमर सिंह के नाम से था, फिर उमर हो गया, उमर मारवी के बाद में जैसे हिस्ट्री चेंज होती है, अमरकोट था, वैसे ये अमर भी है, क्योंकि जो काशी से एक विद्या का जो घर है ना वो काशी है, काशी से विद्या उत्पन्न हुई ना महादेव से, और दूसरा काशी का घर जो है ना इसको कहा जाता है उमरकोट को, क्योंकि यहाँ जो संत आते थे इंडिया से ना घूमने फिरने, यहाँ जब हमारे जैसे बंदे दोस्त होते उनसे कचेरी करते थे, उनसे आत्मज्ञान जो निकलता था ना, फिर वो बोलते थे एक हमारे वहाँ जो है काशी है, दूसरी काशी उमरकोट है, तो उमरकोट को काशी का लकब मिला हुआ है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ हिंदू भक्त आते हैं या मुस्लिम भक्त भी आते हैं? यहाँ भक्त तो हिंदू ही आते हैं, और मुस्लिम भी कोई कोई आते हैं, और जो है ना जिसको गाना होता है या भजन वगैरह वो भी करते हैं। ठीक है, और जो घूमने आते हैं सिख वगैरह दूसरे सब आते हैं, मने किसी को भी नहीं है, सब यहाँ आते हैं। ठीक है, क्योंकि मंदिर का मकसद ये होता है जहाँ जो है शिक्षा दी जाती है ना इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, सबको साथ लेने की, सबको सुख देने की। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब घर अल्लाह के मन, जिसमें हो मुराकबे और ध्यान, जहाँ दिया जाए सबको इंसान होने का दर्स और सबसे प्रेम करने का ज्ञान, चेतन यही तो है सत्य सनातन ज्ञान। अरे वाह, आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं ये जर्नी किया और यहाँ तक पहुँच पाई, और ये माता जी का बुलावा है, नहीं तो ये माता जी का बुलावा है, यहाँ जो भी आता है वो हंस के जाता है। जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ, इट्स अ माताजी टेंपल एंड इट्स अ दरगाह एट द सेम टाइम, एंड द फैक्ट दैट the Babaji's body could not be lifted even by 10 individuals because his wish was to remain over here even after he left, prana left his body, just goes to show the power of this place. So they're saying that just next to this one there's another similar temple, so let's go and have a look at. There's another temple here. Oh my god, it's so amazing. वो बाबा की समाधि है, कब्र जिसको बोलते हैं। अच्छा, दरगाह। ठीक है। आगे भी है। So this is जीव समाधि, as they say, or life समाधि of बाबा शमशेदपुरी। बाबा शमशेदपुरी कितने साल पुरानी है? तकरीबन 100 साल पुरानी। 100 साल? Okay, so like 100 years old samadhi of you know of Babaji, who's So this is the second temple here that I'm seeing, which is both a dargah and a mataji temple. ये भी माता जी का मंदिर है। ये माता जी का मंदिर है। हाँ, ये माता महेश्वरी माता।
माहेश्वरी माता नाम है इसका, और दूसरी वो जो है चामुंडा माता है, ठीक है। ये भी छोटी वाली मूर्ति है। हाँ। ये गणपत गणपत बाबा है, ये रामदेव के पांव है। कितने साल पुरानी है ये मंदिर? ये तकरीबन 600-700 साल। 600-700 साल। So the name of this place is called Amarkot, and Amar actually means immortal in Sanskrit. So I think this place has that kind of, immortal, forever life type of energy. I felt it even before Patiji explained this stuff in the first temple. I sensed something like that. So there is a certain kind of special energy, and not you won't find this anywhere and everywhere. Definitely Umarkot has that special, and that's why for hundreds of years sadhus were coming over here to. तो आफ्टर द टेम्पल विजिट्स लोगों को पता चला कि बाहर से कुछ लोग आए हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आए थे टू विजिट अस, ग्रीट अस, घर का इनविटेशंस दे रहे थे। ऑनेस्टली बहुत स्पेशल फीलिंग था। इनविटेशन दे रही है, इट्स सो स्वीट। आपका घर कहाँ है पास में? डेजर्ट है, थोड़ा सा खड़ा है। ओके, सो इट्स सॉर्ट ऑफ इन द डेजर्ट एरिया, एंड एक्चुअली ही सेज कम टू आवर हाउस इन अ रिक्शा, स्टे देयर ओवरनाइट एंड लीव इन द मॉर्निंग, बट आई डोंट नो इफ दैट्स पॉसिबल। इट्स रियली रियली हार्ट टचिंग। तो भाई हम तो आ रहे हैं आपके लिए। घर तो तुम्हारे करीब ही है। हां, ये रहा इधर मार्केट के पास ही है। हां भाई, तो एज आई मेंशन हमारा कुछ गेस्ट हाउस को बंदोबस्त नहीं हुआ था, तो ये भाई साहब ने एक्चुअली घर का दावत दिया। देन वी सेड नहीं, ऐसा नहीं, जस्ट आप कुछ गेस्ट हाउस को बंदोबस्त करो। तो फाइनली ही मेड्स अ फ्यू फोन कॉल्स एंड हमारा अरेंजमेंट हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, प्रीटी हेक्टिक डे टुडे, सो व्हाट इज दिस, अ टेंपल हियर and then another temple, because we've already visited a couple of temples, but there's a Shiv temple here which is quite well known, followed by maybe a nearby village, and then we also need to get back to Karachi, so it's quite hectic. We're trying to get a ching ching, which is a type of a rickshaw which is unique to actually. Good morning, Amarbhai, kaise ho aap? I'm fine, aap kaise kiye? Theek ho? Main theek ho. Badhiya ho? बढ़िया हूँ। अच्छा, उमरकोट के एंजॉय करेंगे आज? हाँ जी, और भी एंजॉय करेंगे। हाँ, देखेंगे और दिखाएंगे दोस्तों के चैनल को, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। All that smoke you can see coming up there, ये है brick factories, and इस इलाके में बहुत सारे brick का factories, and you can see यहाँ का landscapes भी बहुत अलग है, because we are very close to Rajasthan, तो ये desert का feeling आ रहा है। so if you see compared to the Punjab videos which was all greenery everywhere, यहाँ तो काफ़ी sandy brown सा है, vegetation भी अलग है। Guys, we've reached the temple now, so it was a good like 20 minutes auto ride to Shiva temple. Let's go inside quickly. Wow, it's really big. I wasn't expecting it to be so big, and the style of the temple as well from the outside looks different to all the others I've seen so far. So I guess this is the area for shoes construction. So of course we're probably the first people in here. So we've just spoken to someone there, and they said it's fine to make a video and everything. I'm going up the stairs, and this looks like you also get really nice view.
Also, there's a shivling over here. And then there's another room here before I go to the main thing. Oh, there's a little room here for Rakaji over here. Okay. मिठूमल तो ये यहाँ पे जो है सिक्योरिटी इंचार्ज भी है यहाँ के, तो पूरा सिक्योरिटी वगैरह का भी देखते हैं। और अभी खुद भी जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए आए हुए हैं, तो वैसे तो नीचे जा रहे हैं, इनका है ऑफिस। तो आप यहाँ रहती है मंदिर? बिल्कुल, मैं 24 घंटे इधर रहते हैं मंदिर में। मंदिर में ठीक है, पुलिस चौकी है। अच्छा, पुलिस चौकी है। एंड आप? ये सेवादारी है, 12 महीने इधर होते हैं। अच्छा, पूरा पूरा सेवादारी। अच्छा, तो शिवरात्रि का मेला मतलब ये 8 मार्च को होया था। हाँ। जो इसमें हजारों करोड़ की तादाद दुनिया आई थी। अच्छा। हिंदुस्तान से आई थी, पंजाब, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से। अच्छा। कोई भी इंडिया के आदमी आते हैं। इंडिया के ये बता रहे कि इंडिया से भी लोग यहाँ पे आते हैं। आते हैं, अमेरिका के आदमी आते हैं, अलग किसी के हर मुख से, हर कोने से, कोने कोने से आते हैं। ये देखो, हर सुमर के दिन इधर तेरे को खड़े के 5 मिनट भी नहीं इधर खड़े देंगे। इतनी रश होती है सुमर के दिन। कितने दूर है इंडिया यहाँ से? यहाँ से कुकड़ापार तक 12 किलोमीटर है। 12 किलो नहीं, 12 को बोलते हैं, 25-30 किलोमीटर होते हैं। 25-30 किलोमीटर की दूरी में इंडिया, यहाँ से नजदीक है। रोजी का पूजा का प्रोग्राम क्या है भाई साहब? यहाँ सुबह शाम का? सुबह शाम होता है, सुबह शाम होता है। ठीक है। और पूजा सुबह 4 बजे होती है, शाम को 7-8 बजे होती है। ठीक है जी। ओके, और कितने बजे बंद होता है? बस बंद तो होते ही नहीं है। बंद होता ही नहीं है। सारी रात एनी हाउ खुले रहते हैं। सिक्योरिटी है, हम बिल्कुल बहुत आश्रम है, रिहाइश के लिए बहुत रिहाइश गाह है। ये सारे जो आगे आदमी इतने होते हैं, सोने की घटी नहीं मिलती, रात के पड़ जाए आराम करे, कोई भी रिहाइश वगैरह बिल्कुल सहूलत मिलती है। ठीक है, तो अगर किसी को यहाँ रुकना है, रिहाइश करना है, तो आपसे बात करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे सही मुझसे अच्छी तरीके से मिलेगा, खाना भी मिलेगा आपको, हर शहर रिहाइश मिलेगी, अच्छे तरीके से। अच्छा, सो सीधा आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, प्रीवियसली कोई एडवांस में बुकिंग वगैरह भी की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं है, बुकिंग में भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और लेडीज भी आ सकते हैं? बिल्कुल, लेडीज भी आती है, फैमिली आती है, पूरा फैमिली, फैमिली के साथ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। So, as they were saying, we're literally like 25 to 30 kilometers from India. Devotees from everywhere come here. Mahashivratri just passed, it was last week. So again, they said lots of people from everywhere, including India and everywhere, come over here. Every Monday, this temple is packed. खेमचंद? खेमचंद जी। ठीक है, और आप कितने साल से यहाँ? मेरे को 10-12 साल हो गए। 10-12 साल इधर रहता। ठीक है, और उसके पहले? पहले रहता था हम आवरी, साई अली मर्दाशाह। ठीक है, ठीक है। और आपको ये आप होमली फीलिंग है, घर जैसा ही? 3 बच्चे है। हाँ। 2 लड़कियाँ है। हाँ जी। शादी शुदा कर दी, इसके नाना बन गया हूँ, दादा ही बन गए, अभी अब हमारे को क्या चाहिए, सेवा करनी है। अच्छा, फैमिली भी इधर ड्यूटी देती है। हाँ, हाँ। वो कॉल गई है बच्चे के बाद, मैं देखने जाऊँ, जा रहे हैं बच्चे को। बहुत अच्छी बात है। Up to 2016, there was a train from Jodhpur up to, I think it used to go all the way up to Karachi, but anyway, we're from India to Pakistan, starting in Jodhpur in India, and people could cross over here. But at the moment, the only border crossing, land border crossing between India and Pakistan that's allowed and still open is the Wagha Atari border. So that's Lahore
from Lahore in Pakistan to Amritsar in India. So that's the only crossing. But up, so as I said, up to 2016, there was a train service that was coming here from Jodhpur. So really, we're really, really close to India right now. And I don't know if you can hear in the background, there's some kind of Rajasthani style music that's playing as well. So Khemchand Sahib has said that we can also take a look at the ashram. So jai hum dekhte hain ki ashram ka kaisa hai, to wo bhi dekh lete. So now we are in the ladies section of the Dharmshala. So in this room, anyone can come and sleep. Most of the time, the devotees will just bring a mat or something and they'll sleep on the floor. And see, there's fans as well over here. It does get very hot in this region, so they've even got fans. And then, of course, there's the whole Lord Shiva's family here. Lord Shiva, mother, goddess Parvati, children, Lord Ganesh, and Lord Subramanya Swami or Kartikeya. So all, this is where the women are staying. And the women's section, men are not strictly not allowed here. अब यहाँ जेंट्स सो जाता है यहाँ ये छत पे? नहीं 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 नहीं, ये सत्संग के लिए, भक्ति के लिए. किस चीज के लिए? सत्संग होता है. अच्छा, सत्संग के लिए. ये ऊपर से गाना बना होता है ना. हाँ हाँ हाँ, वो इधर सत्संग होता है. नीचे से जो ये लेडीज फैमिली होती है, बिल्कुल सारे, एक साइड जेंट्स होता है, एक साइड फैमिली होता है. आप भी मारवाड़ी बोलते हैं? जी हमें मारवाड़ी. इतना आदमी बाहर भी सोते? बाहर ही पड़े हैं. अच्छा, बहुत लोग आते हैं दूर दूर से आते हैं. नहीं, ये जा रहे हैं, ये ठेला ठेली होगी. So basically, there's no specific space for men to sleep over here. They just sleep anywhere. So there's a little bit of a, you know, arrangement for the ladies, which we see. But for gents, sorry. एक पिक निकाल ले, दो के दो ना ले. बात करो भाई. आपका मारवाड़ी में बात करते हैं. तो आप मारवाड़ी बात करते हैं जी? जी जी. जान वाले सॉरी. एक मिनट पिक निकाल ले आप. Sure. नमस्ते. ओह नमस्ते. ठीक हो? मैं ठीक हूँ. अच्छा, जानू होने हैं हला. सो आपका नाम बताइए. मीना. मीना जी. ठीक है, तो आप रेगुलरली आते हैं यहाँ? नहीं, हम पिंडी से आए हुए. पिंडी से? ठीक है ठीक है. सो दे वांट अ पिक्चर विद मी एज़ सून एज़ दे फाउंड आउट आई एम फ्रॉम इंडिया. पिंडी में कृष्णा मंदिर है. जी जी, कृष्णा मंदिर रहा था मैं. वो भी. आप फिर से बोले, आपका फैमिली कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान. अच्छा, तो आप यहाँ रहते हैं या आप इंडिया में? फैमिली सारी वहाँ पे. अभी इधर था बॉर्डर बंद है, मैं 11 साल के इधर बैठा हूँ. अच्छा, तो 11 साल से आपने फैमिली से नहीं मिली? हाँ, फैमिली ने नहीं, रहता है, फोन पे है. फोन, सिर्फ फोन पे? हाँ. ठीक है ठीक है. सारा वो वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, और आपका क्या इरादा है, यही रुकना वहाँ जाना? नहीं, वापस जाऊँगा मैं, गाड़ी खुले के जाऊँगा. ठीक है ठीक है. रिहाइश भी मेरी यहाँ पे मंदिर पे भी है. वो आप भी यहाँ रुकती है? हाँ. अच्छा अच्छा, तो आपका नाम? मुकेश सोलंकी. मुकेश सोलंकी? जी हाँ, मुकेश सोलंकी. ठीक है ठीक है. आप भी मारवाड़ी है? हाँ ना. अच्छा, ये बड़ा पासपोर्ट वगैरह सारे पड़े हैं, ये देखो ना. ये क्या है? इंडियन है ना, ये देख ना. कब गया था मैं? 2015 में गया था. दोबारा रिन्यू कराया, फिर गया था. ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा जी, अच्छा, ठीक है. आपने बोला मैंने इंडियन से मेहमान, मैंने बोला मैंने चाय मैंने बनवाई थी, तो मैंने बोला आप कहाँ से आए हो? जी जी जी, मैं बेंगलोर से आई हूँ. बेंगलोर से आई? बेंगलोर से भले आया, और बेंगलोर देखा हुआ है घर अपना. एक सो फर्स्ट एग्जैक्टली मंदिर की बगल में एक और आश्रम है. एंड ऑल्सो यहाँ आई थिंक ऑल्सो किसी बाबा जी का, गुरु जी का जीव समाधि हो गए है. सो आई जस्ट चेक दैट. सो दिस इज द जीव समाधि ऑफ बाबा जी. एंड He was 99 years old, and on in 2015 he took Jeev Samadhi here. So. There's a little well here.
Oh, and it's got a motor as well, so it's probably still active. यहाँ से पानी अभी भी यूज करता है जी हाँ, 24 घंटे लेते हैं नहीं तो होता है ना, शहर से मंगवाते हैं, कंटेनर मंगवाते हैं, इसमें डालते हैं, अच्छा पीते करते हैं ना हम, ठीक है। और मोटर से मोटर हाँ, मोटर वोटर सारा सिस्टम लगा हुआ है नहीं अभी। ये 1979 में कत्ल हुए थे यहाँ पे, काटे गए थे चारों को इनको। किसने पता नहीं, किसने काटे थे इनको, चारों को काटे थे। अच्छा उन्हों की ये है, चारों की आ जाओ, चारों की समाधि है ये, समाधि है ये ने। हाँ 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 भगत पंजुमल 1979 में कत्ल हुए थे ये। अच्छा ये इनका है गुरु साहब, ये गुरु साहब है, ये चले थे। अच्छा ये चारों जन 1969 में कत्ल हुए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बाबा जी, हाँ इन्हों का ये चेले थे सारे, तीन चेले। हाँ अच्छा एक ये, अच्छा एक ये भाई है, अच्छा इन्हों के भाई काश्त वो मेवाड़ है। हाँ ये माली है। हाँ ये बजीर है। हाँ, वो माली है। और इनका ये पड़ा को चारूंगा, चारूंगा एक ये टूर। हाँ ठीक है, जोधपुर में साईं शंभुमल। अच्छा इन्होंने ये आश्रम जो भी बनाया है ना। हाँ, हाँ। सारा इन्होंने बनाया था, ये जोधपुर चले गए थे, इन्होंने बेटो लेके गए थे दोरी उधर। हाँ, हाँ। फिर उधर उधर फोत हो गए थे, फिर उधर से हम मिट्टी लेके आए थे, इन्होंने आश्रम मैंने बनाया था इधर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये चोखा गाँव में इंडिया में, जोधपुर में राजस्थान चोखा गाँव, मकान नंबर भी मेरे को पता है 345 है। मुझे 11 साल घर होते हैं, 19 साल का फैमिली रहे थी होते मुझे 11 साल है। So every Sunday night they used to come here and they used to sort of do puja and distribute prasad and everyone to, here. So they used to come Sunday night, stay all night, and Monday they used to finish puja and leave at 5 o'clock. And they say that on 26th January 1989, all four were murdered here. That's what they say. And this is the samadhi of the four of them over here. Why and everything, the detail is unknown, but that's what this section of the temple is. So this is the actual founder, and he contributed a lot to the building of this this temple, and everything that's done here is this Guruji. And Guruji ka naam kya hai? साईं शंभुमल। सो गुरुजी इनका घर भी वहाँ पे राजस्थान में है। एंड ही यूज्ड टू लिव इन राजस्थान, एंड सो ही वेंट बैक टू राजस्थान एज वेल, एंड ही आल्सो हैड टुक हिज लास्ट ब्रेथ इन राजस्थान, बट देन दे ब्रॉट बैक अ लिटिल बिट ऑफ हिज रिमेन्स एंड मेड दिस समाधि ओवर हियर। समीर भाई प्लीज कैन यू जस्ट हेल्प अस, व्हाट इज रिटन देयर? इट्स रिटन दैट प्रेम जी प्रचार कंदो कर, इट मींस प्यार बांटो और प्यार की जो है वो करो, क्या कहते हैं प्रचार करो, और सूफी जी रंग में रंदो कर ज्ञान अते ध्यान, मतलब सूफी बन के रहो और ज्ञान पे जो है ध्यान दो, मतलब ज्ञानी बनो और इस तरह। और फिर लिखा है कि चई भगत चेतन रहमदानी साधु संगत रहो कर, साधुओं के साथ रहा करो, सूफी लोगों के साथ रहा करो, तो आप प्योर बन जाओगे, या मतलब आप खुद को बेहतर बना सकोगे। ये सिंधी में लिखा हुआ है। okay. और नीचे लिखा है गर्दी नशीन डॉक्टर दुर्गा दास, और इनका सर का हमने इंटरव्यू भी किया था आज से 1-2 साल पहले आए थे, अभी वो यहाँ है नहीं जी जी। तो ये गर्दी नशीन, तो इनके साथ हमने इंटरव्यू भी किया था, हमारे चैनल पे एक वीडियो भी है। तो तो आप इस दुनिया में नहीं रहा या? नहीं नहीं, ये बेटे हैं, ये बेटे हैं, ये बेटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कमरे में रहते हैं, यहाँ रहते हैं उनकी गाड़ी। So this is a picture of Dr. Durga Das, he's the owner of this, and whenever he's over here, this is where he stays as well. So this is when ये ना इधर अब आपको सारे आपको समझ में नहीं, ये जो फोटो है ना, यहाँ के यहाँ पे जो जिसने बुनियाद रखा था ना, इन्होंने रखा था, ये नेपाल से आए थे, नेपाली बाबा थे। अच्छा ये नेपाल से आए थे पैदल यहाँ पे। So this place was founded by the Babaji, who came by foot from Nepal. Then Shambhumalji continued to maintain it, and after his time, now it's Durga Das Ji. So
There is something special here and it has to be experienced. It's really hard to articulate in words what that feeling is. So after enjoying the spiritual energy of the place, I was now enjoying this ching-ching in a different type of layout. I was very fascinated by it, so I thought I should at least sit and take a picture. It's really exciting. I hope I get a chance to ride this, but at least I'm going to sit on it now. So it's just a dummy pose, but a photo bhi banaye na bhai sahab Anwar bhai sahab मेहमान नवाज है सिंधी है यहाँ के हमारी सकाफत है खिदमत करना मेहमानों की आप देन मौका 5 मिनट चले हमें तो जाना है और वो ऑलरेडी निकल गए बट थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत शुक्रिया नमस्ते भाई साहब ये पूजा का सामान है ये सब हाँ, हाँ, ये पूजा का है ठीक है माजून कोकोनट का बर्फी है या हाँ, मिठाई है अच्छा अच्छा दे कोकोनट एंड ये पूरा मिठाई है बर्फी है और ये क्या है ये गेवर हिंदी में बोलते हैं गेवर गेवर मुझे पता नहीं ये क्या है मिठाई है मिठाई जलेबी बोलते हैं So actually now the mela is just finished. So these are like the, you know, the leftover bits. And here you can also find like kiddie toys and all this stuff. So, you know, bangles like for ladies and kids. And then these type of little toys and everything for kids. So, acha mahol hai. Namaste bhai sahab, kaise ho aap? Allah ka shukar hai, tayyar hai. Aapka naam? Dildar. ठीक है तो आप ये दुकान रोज यहाँ है या कुछ नहीं special? अभी ये मेले के लिए लगाई थी इधर अभी पीर के दिन तक इधर ही है अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर आप भी ये नहीं इधर नहीं रहते So this is one of the last remaining shops from the mela actually. So this is not a regular shop. Ye bhi will be removed actually. So yeah, so you just got a small taste of what the mela would have looked like. ये क्या है नहीं जी नहीं 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 थोड़ी सी तोफा तोफा इज इंसिस्टिंग अरे इतना ज्यादा है नहीं भाई साहब अरे यार भाई साहब क्या कर रहे आप नारियल की मिठाई भी जो है ये भी है भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप अरे पैसे दे ले नहीं नहीं पैसे थोड़े ही है कुछ तो लीजिए जय शंकर ठीक है जी ओके I'm specifically making these temple videos just to show and share my experiences of temples and you know how different temples have different feels. Not all temples are the same. And that's the main point that I wanted to highlight through this video. I hope that you found it useful. Please do share, subscribe and like and comment on this video. Thank you very much and see you in the next video.